कोई क्विड गाड़ी है और इसका स्विच ऑन कर रहा हूँ मैं, हेडलाइट ऑन। अभी देखो, ये देख रहे हो क्या हो रहा यहाँ, ठीक है जी। चाहे हाई बीम पे कर लो या लो बीम पे कर लो, यहाँ से देखो, यहाँ से दिखाता हूँ ये देख रहे हो फॉल्ट। अब ये क्या है, लोगों को ये लगेगा भाई ये ख़राब है, इसका कॉम्बिनेशन स्विच ख़राब है, ठीक है जी। अब मेन फॉल्ट दिखाता हूँ मैं, हेडलाइट ऑन प्रॉब्लम आ रही है देखो, ठीक है। ये बल्ब बिल्कुल ओके जल रहा है और ये बल्ब बिल्कुल डिम जल रहा है, ठीक है। अभी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हूँ, इसमें दूसरा बल्ब डालता हूँ ओरिजिनल। मतलब ये बल्ब थोड़ा सा डिम जल रहा है, इस वजह से स्विच में दिक्कत आ रही है, अंदर मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये ओरिजिनल बल्ब डालूंगा मैं इसमें फोनिक्स का, ठीक है ना। और ये भी सेम वोल्ट है, हेडलाइट का कनेक्टर ये रहा, बल्ब लगा दिया, इसकी बीम हाई देख लो कितनी हो गई है, ठीक है जी। अब चलते हैं ज़रा अंदर, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। ये देखो पूरा बंद कर दिया मैंने ये, ठीक है जी। अब यहाँ से इसको ऑन कर रहा हूँ, हाई पे ले लो चाहे इसको लो पे ले लो, ब्लू नहीं, अब बिल्कुल परफेक्ट हो गई ये, ठीक है जी। ये देखो ब्लू वाली जला दी तो अब ग्रीन भी ओके है, ग्रीन वाली जला दी अब ब्लू ओके है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे फॉल्ट बहुत कलेश करते हैं। अभी देखो ये कॉम्बिनेशन स्विच का किसी ने बता दिया था भैया को, सर इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, स्टॉप मार के देख लो। मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी इसको खोल ही रहा था, ठीक है जी। आगे जाके देखा तो हेडलाइट का बल्ब डाउन जल रहा था वो, ठीक है। यहाँ से तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। नया बल्ब लगा देता हूँ, इसमें फिक्स कर देता हूँ, फिर इसके बाद देखते हैं एक बार और प्रॉब्लम। बताओ इस एक बल्ब की कहाँ से कहाँ निकली है। देखो डीपर मारो, बिल्कुल बढ़िया। अब चलते हैं अंदर, फिट होगी ना गाड़ी। बताओ यार छोटा सा फॉल्ट। अब देखो ये कम से कम 3000 रुपये का होता है, डीलर पे भी जाते हैं, लेबर फेवर सब लगा के एक बल्ब से काम बन गया, बिल्कुल बढ़िया होगी। तो ऐसे छोटे छोटे फॉल्ट के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है जी। रिवर्स लाइट का बल्ब भी काम नहीं कर रहा था, वो भी कर दिया, अब सही हो गई है ये गाड़ी। चलो फिर थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।